इस बीच अगली खबर की अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के बिहार के मुजफ्फरपुर जैसा कांड हुआ है। यहां पर एक शेल्टर होम में 9 लड़कियों के गायब होने की सूचना है। दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम से एक नाबालिग समेत 9 लड़कियां आपको बता दें 1 और 2 दिसंबर की रात से लापता बताई जाती हैं और पुलिस मामले की जांच में लगी हुई। अब सवाल है कि लड़कियां भगाई गई हैं या फिर मामला कुछ और है, क्योंकि शेल्टर होम की ऊंची दीवार पर फेंसिंग की गई है और शेल्टर होम में 2 ही गेट हैं। ऐसे में यहां के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक इन 9 लड़कियों को बाल कल्याण समिति के आदेश पर 4 मई 2018 को द्वारका के एक शेल्टर होम से दिलशाद गार्डन शिफ्ट किया गया था। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बने एक शेल्टर होम से अचानक 9 लड़कियां गायब हो गई। मैं मौके पर मौजूद हूं। यही दिलशाद गार्डन में बना संस्कार आश्रम है जहां पर 9 लड़कियों को यहां रखा गया था। बताया जा रहा है कि 1 और 2 दिसंबर की रात को अचानक 9 लड़कियां यहां से गायब हो गई और जैसे ही संस्कार आश्रम के अधिकारियों को पता चला तो उसके बाद में जीटीबी नगर थाने की पुलिस को इस बारे में इत्तला दी और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो 9 लड़कियां हैं जिसमें से 8 लड़कियां जो हैं वो मेजर हैं, बालिग हैं, और 1 लड़की जो है वो नाबालिग है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास है। और बताया जा रहा है कि मई 2018 के महीने में 9 लड़कियों को द्वारका के शेल्टर होम से यहां पर शिफ्ट किया गया था और तब से ही यहां पर रह रही थी, लेकिन अचानक से 1 और 2 दिसंबर की रात को उन लड़कियों का अचानक गायब हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा जो देख रहे हैं इस संस्कार आश्रम की पूरी दीवार है, तमाम यहां पर फेसिंग की गई है, लेकिन और जो गार्ड्स हैं वो भी यहां पर तैनात रहते हैं। आने और जाने के लिए यही वो रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से 9 लड़कियों का गायब होना एक सवाल ज़रूर उठाता है कि आखिरकार में इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है। और ये भी जानकारी मिली है कि ये वो लड़कियां हैं जो कि देह व्यापार और मानव तस्करी की पीड़िता हैं और उसके बाद में इन बच्चियों को, इन लड़कियों को यहां रखा गया था। लेकिन सवाल फिर से यही है कि आखिरकार में ये 9 लड़कियां गई तो गई कहां। कैमरामैन महबूब के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो जी मीडिया को संस्कार आश्रम में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि शेल्टर होम में सिर्फ 2 ही गेट हैं जहां पर 24 घंटे गार्ड की तैनाती होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लड़कियां यहां कैसे बाहर आ गईं। गेट तो एक है, एक गेट उधर है, लेकिन वो गेट से वहां भी गार्ड बैठे होते हैं। गार्ड हमारे यहाँ पे रात को 2 गार्ड होते हैं। तो निकल कैसे जाएंगे अंदर से लड़कियाँ, मतलब अगर दीवार पार के भी निकल सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। अच्छा, वो निकल रहा है, वो कहीं से भी निकल सकता है ना। जो निकलने वाला है, जिनकी प्लानिंग बनी है, वो कहीं से भी निकल सकता है। तो ये लड़कियाँ जो है, ये 9 लड़कियाँ है ना। हाँ, 9 लड़कियाँ। तो आप यहाँ पे खड़े मत हो, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। आप किसको रुक रहे हो? आप तो ये सारा स्टाफ यहाँ पर लेडीज ही सारा स्टाफ है। लेडीज में लेडीज स्टाफ होता है वहाँ, कोई चेंज। तो ये लड़की आई कभी, जो जो लड़की भागी है? करीबन 3-4 महीने हो गए थे यहाँ पे। करीबन 4 महीने हो गए। पूरी भागी कैसे होंगे, मतलब ये पता नहीं कैसे भागी। अब इसके बारे में दीवार फान सकते हैं कैसे, कह रहा है ये फान सकते हैं दीवार। भैया 20-22 साल की लड़की है, फान सकते हैं। जो आप बता रहे हो, मतलब ये जैसे कोर्ट के ऑर्डर पर, वैसे यहाँ पर छोटी बच्चे आती हैं? हाँ, छोटे बच्चे 5 साल से ऊपर। हाँ, और 17-18 साल से नीचे। और ये जो लड़कियाँ, ये तो भागी हुई है ना। अभी कोई ऑफिसर नहीं होगा? अभी कोई ऑफिसर आपको कोई नहीं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करते हैं नीरज गौड़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, गेट को और सब कुछ देखकर जब बताया जाता है कि गार्ड भी वहां पर मौजूद है और गेट की ऊंचाई भी देखें तो ठीक ठाक है, ऐसे में क्या लड़कियां 9 की 9 फान सकती हैं? और अगर वो फानती हैं तो वहां पर जो गेट कीपर है या फिर गार्ड बताए जाते हैं कि हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी क्या बयां करती है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है नीरज।
बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा शेल्टर होम है जहाँ पर ये तमाम जो बच्चे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि नाबालिग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन जो कि नौ लड़कियां हैं जिसमें से आठ जो है इसमें बालिग हैं और एक जो है वो इसमें नाबालिग है। बताया जा रहा है कि CWC की के जब उन्होंने जांच के लिए बोला था उसके बाद में उन्हीं के ऑर्डर पर इन नौ लड़कियों को द्वारका के शेल्टर होम से यहाँ इरशाद गार्डन के शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पर रह रही थी। और ये जानकारी है कि 1 और 2 दिसंबर की रात को अचानक से यहाँ से रात में गायब हो गई और जो गार्ड वहाँ पे ड्यूटी के लिए रहते हैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। और सुबह जब इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद में थाने को इस बारे में इत्तला दी गई, उन्होंने इस पूरे मामले में जो माइनर लड़की है उसको किडनैपिंग की धाराओं में केस रजिस्टर किया है। बाकी जो बालिग लड़कियां हैं उसमें इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस से कह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं हर जगह से फेंसिंग की गई है और बहुत कायदे से और बहुत ऊंची दीवारें हैं ऐसे में किसी के भागने का प्रश्न तो बनता नहीं है। दूसरा सवाल, क्या यहाँ पे CCTV मौजूद है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि CCTV के बारे में जब हमने पूछा वहाँ के लोगों से उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया क्योंकि रात का वक्त था तो वहाँ पर कोई भी ऑफिसर वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो वहाँ का जो सिक्योरिटी हेड है उससे जो बात हो पाई है उसका कहना है कि तमाम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर पुख्ता है, गार्ड हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं, अगर किसी को भी बाहर की तरफ जाना हो तो यहाँ पर गेट पर से ही जा सकते हैं। और जो दीवार की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, बिल्कुल तकरीबन 7 से 8 फीट से ज्यादा की उसकी हाइट है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से 2 लड़कियां गायब हो गई किसी को पता नहीं चला, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बिना मिली भगत के नीरज ये संभव नजर नहीं आता कि वहां से लड़कियां भागे और कोई देखे भी नहीं जब तक कि उसको भगाया ना जा सके। क्या यहां पर कोई तीसरा एंगल भी है, क्योंकि वो समझ में आ रहा है कोई मानव तस्करी का या फिर कोई दलाली का कुछ ना कुछ कनेक्शन है नीरज? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो दो लड़कियां हैं, ये दो लड़कियां जो हैं इसमें देह व्यापार और इसके साथ मानव तस्करी की पीड़िताएं हैं जी। ये इसमें जो है आठ लड़कियां जो कि इसमें बालिग हैं वो नेपाल की रहने वाली है, एक लड़की जो माइनर है वो जो है बिहार की रहने वाली है और ये सब जो है पीड़ित हैं और इनको जो है द्वारका के शेल्टर होम में रखा गया था और उसके बाद इनको यहाँ पर रख रखाव के लिए इनको यहाँ पर रखा गया था। ठीक है नीरज, अब तक इस मामले को लेकर क्या एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? जी, इस पूरे मामले में फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अपने जो इनपुट है उनको उनके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कहा सकती है और इसके आधार पर जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इसके आधार पर जो दिल्ली सरकार है उसने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है और यहाँ तक कि दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं सौती मालीवाल वो लगातार इस पूरे मामले को देख रही हैं। उनके संज्ञान में आने के बाद ये मामला सामने आया है और अभी तक जो भी इसमें दोषी होगा यहाँ तक की जो इसको चला रहे हैं इस आश्रम को उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होगा, इसको लेकर के सिफारिशें भी की जा रही हैं। चलिए नीरज, इस घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने LG के साथ पुलिस कमिश्नर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। Very, very sad state of affairs, and I appeal to the police commissioner, I appeal to the lieutenant governor, I appeal to the state government. Please get your act together and please ensure that all these shelter homes are run in a secure and safe manner, and they do what they are supposed to do. They are supposed to be giving love, care, and protection to these girls, and not making sure that they go back to traffickers. अब आप खबर आपके सफर से जो आसान करने से जुड़ी हुई है, आपको बताएं T18 जल्द ही भारतीय रेलवे की शान बनने जा रही, माफ़ करिएगा, ये अभी हम फिलहाल इस मामले को लेकर बने हुए हैं और कुछ सवालात भी हम पूछ रहे हैं जी हिंदुस्तान के बड़े सवाल, क्योंकि लड़कियों के लापता होने में सुरक्षाकर्मी का हाथ तो नहीं, अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है जो कि हम अपने रिपोर्टर संवाददाता से भी पूछ रहे थे। और निश्चित तौर पर बिना किसी के मिली भगत की ऐसा मुमकिन नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ये फेंसिंग भी देखिए, दीवार की अगर हम ऊंचाई की अगर बात कर लें तो वही आमतौर पर 7 फीट के आसपास बनाई जाती है और 3 फीट और फेंसिंग जोड़ लीजिए तो 10 फीट, ऐसे कोई संभव नहीं है वो भी कि तार को क्रॉस करके निकले। जाहिर सी बात है कि दीवार के आगे से ही आप, गेट के आगे से ही आप निकलेंगे, गेट क्रॉस करके ही आपको जाना होगा, या तो किसी ने गेट खोला है
ये अब किसने किस तरह का एंगल है, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। तो तमाम तरह के सवाल और बड़ी जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। अब देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर। फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है।